फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेकर आए हूं एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल सा वीडियो रिलेटेड टू हेयर केयर। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसा हेयर केयर जो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा शाइनी बनाएगा, हेल्थियर बनाएगा, थिकर बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आज भी मैंने इसे अप्लाई किया है और आप सबके साथ मैं इसे शेयर करने वाली हूं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको फॉलो करना है। फ्रेंड्स अगर इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आप भी पा सकते हैं बहुत ज्यादा शाइनी और मैनेजेबल से हेयर। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। तो फ्रेंड्स इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रेश प्लांट एलोवेरा। अगर आपके पास है तो इसे ही यूज कीजिएगा, अगर नहीं है तो जो रेडीमेड एलोवेरा होता है जो प्योर वाला है अच्छी कंपनी का वही लीजिएगा। अगर फ्रेश है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से अच्छे से धो लेना है लीफ को, फिर जो ऊपर का जो बोथ साइड का जो लीफ है उसे निकाल कर हम कॉर्नर का और इस तरह से जेल निकाल लेंगे। तो जिस हिसाब से आपके बालों का लेंथ है उस हिसाब से आपको एलोवेरा और बाकी सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से एलोवेरा को अच्छे से धो ली हूं और इसका जो जेल है सारा निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये अराउंड 2 टेबलस्पून के बराबर एलोवेरा का जो जेल है वो निकला है। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कर्ड ऐड किया है यानी दही ऐड करना है। तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे कि मेरे बिलो शोल्डर है तो मैंने उस हिसाब से एडजस्ट किया है। साथ में 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें हनी ऐड किया है यानी शहद, और मैं लूँगी इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो रेगुलर कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं बालों के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के जो बेनिफिट्स है वो मैं आगे बताऊंगी, इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। वरना आप चाहे तो इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये अराउंड 1 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स इन सबको हमें अच्छे से चर्न कर लेना है यानी मिक्सी में डालकर अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो हमारा हेयर मास्क बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसे पीस लूंगी। तो आप देख सकते हैं थोड़े ही देर में ये हमारा हेयर मास्क बनकर तैयार है। तो इस तरह से अगर आप इसे पीस लेते हैं जो चंक्स वगैरह रहते हैं वो बालों में आपके स्टक नहीं होंगे और आप जब हेयर वॉश करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और बहुत अच्छे से हेयर वॉश भी हो जाता है। तो बिल्कुल स्मूथ सा ये हमारा हेयर मास्क बन चुका है, इसे हम अप्लाई करेंगे अपने बालों पे। ये हमारा हेयर पैक बनकर तैयार है, हेयर मास्क कह लीजिए। अब इसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले हो रहा है आपको ऑल ओवर द जो स्कैल्प होता है, रूट्स होता है, टिप होता है, सारे हेयर में अच्छे से अप्लाई करना है फ्रेंड्स। और इसे लगाने के बाद फ्रेंड्स पूरे अच्छे से कवर अप करने के बाद आपको हल्का सा मसाज करना पड़ता है। कम से कम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट दीजिए अच्छे से मसाज करने से क्या होता है ये पेनिट्रेट होता है, जिसके कारण से जो बालों का टूटना झड़ना है वो भी कंट्रोल में रहता है फ्रेंड्स। और अच्छे से जब ये पेनिट्रेट होता है तो आपके ये बालों को बनाएगा बहुत ही ज्यादा हेल्दियर। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमने एलोवेरा यूज किया है वो आपके बालों को शाइन देता है, साथ में मॉइस्चराइज करता है और फ्रेंड्स जब ये पेनिट्रेट करता है तो हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। और इसमें हमने ऐड किया है जो कंडीशनर के रूप में जो कर्ड होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। ये आपको बनाएगा बहुत ही ज्यादा आपके बालों को सॉफ्ट सपल बनाता है, स्मूथ सा बनाता है, शाइनी बाल बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत सारे जो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं ये आपके बाल को जो डैंड्रफ होता है, इचीनेस होता है उसे भी कंट्रोल करता है, जिनके बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं फ्रेंड्स उसे भी कंट्रोल करके बालों को बनाएगा बहुत ही ज्यादा शाइनियर और हेल्दियर। इसमें हमने डाला है हनी यानी शहद, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा शाइन देता है। जिनके बाल बहुत ज्यादा डल होते हैं उसमें भी ये शाइन पहुंचाता है। साथ में इसमें होता है नेचुरल ह्यूमेक्टेंट और इमोलेंट प्रॉपर्टीज होता है जो हेयर फॉलिकल्स को वीक होने नहीं देता है। साथ में इसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है फ्रेंड्स वो भी क्योर करता है, बहुत सारे जो स्कैल्प प्रॉब्लम होते हैं उसे क्योर आउट करता है। फ्रेंड्स इसमें हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो बालों के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्दियर प्रदान करेगा, जो आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं और जैसे कि 2 मुए बाल हो जाते हैं जिनके बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं उसे ये क्योर आउट करता है। बहुत ही ज्यादा ये अमेजिंग सा रिजल्ट देता है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की जैसा आपके बालों में वर्क करेगा, आपके बालों को बनाएगा बहुत ही ज्यादा स्मूथ, शाइनियर और सिल्कियर बनाएगा फ्रेंड्स। ये आपके जो हेयर ग्रोथ को वो भी प्रमोट करता है फ्रेंड्स, जिनके बहुत ज्यादा टूटते झड़ते उसे ये कंट्रोल करता है फ्रेंड्स। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद जैसे कि मैंने बताया है 5 मिनट्स एटलीस्ट आप कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है, क्योंकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जैसे कि मॉर्निंग का जब आप बात लेते हैं उससे पहले आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने अप्लाई किया है। इसके बाद जो वर्क होता है आप कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट इसे 45 मिनट्स तक रहने दीजिएगा अपने बालों में, फिर नॉर्मल
नॉर्मल जो आप शैम्पू यूज करते हैं केमिकल फ्री शैम्पू यूज कीजिएगा और उससे अपने बालों को अच्छे से वॉशअप कर लीजिएगा। आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी सिल्की और स्मूथ से हो जाएंगे और डे बाय डे फ्रेंड्स जब आप इसका यूज कंटिन्यूस करेंगे फ्रेंड्स तो आपके बालों का जो टूटना झड़ना है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा और आप भी पा सकेंगे बहुत ही ज्यादा सिल्की शाइनियर और स्मूथ हेयर। तो इस तरह का बाल अगर आप पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को जरूर अप्लाई कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स आपको जो केमिकल का प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, कोई भी जो माइल्ड सा शैम्पू है उसे यूज कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अगर नए हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट अपलोड दूं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी तरह से कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।